नमस्कार दोस्तों, सुपर एलेक्स कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्टॉन्ग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार आपको मीटिंग्स में बताया होगा, वैसे भी बताया होगा कि स्टॉन्ग क्यों होती है और इसके क्या क्या कारण होते हैं और किस टाइप की होती है और इसको बाहर कैसे निकाला जाता है। मेनली आपको यही क्वेश्चन लाइफ में हमेशा याद रखने होते हैं कि ये बनती क्यों है, ये बनेगी तो कहाँ कहाँ आपको पेन होगा, किस पोजीशन में आपको पेन होगा, ये आपको पता कैसे चलेगा, और उसके बाद आपको इसको बाहर निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टोन आपकी बनती क्यों है। स्टोन आपकी दो टाइप की होती है, क्या तो आपके गोल ब्लैडर से संबंधित आपको स्टोन मिलेगी, आपको किडनी यानी यूरिनरी ट्रैक जितना भी आपका होता है उससे संबंधित आपको कोई भी स्टोन मिलेगी। ये दो टाइप की स्टोन होती हैं। आप जब भी आपका सोनोग्राफी करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि कोई तो स्टोन आपको गोल ब्लैडर से संबंधित मिलेगी, कुछ स्टोन आपको किडनी से संबंधित मिलेंगे यानी यूरिनरी ट्रैक जो भी आपका होता है उसके अंदर आपको कोई ना कोई स्टोन मिलेगी। उसका साइज आ जाता है कि इतने एमएम की है, इतने सेंटीमीटर की है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके यहाँ स्टोन है। अब वो स्टोन बनती क्यों है। सबसे पहले स्टोन बनने का एक ही रीज़न होता है कि आप जो आपका खान पान जिस टाइप से ले रहे हो उससे आपको ज़्यादातर स्टोन मिलती है। जैसे बात करें हम किडनी स्टोन की, तो किडनी स्टोन आपकी क्यों बनती है, तो आप ज़्यादातर जो बीजों वाली सब्जियाँ खाते हैं या बीजों वाले जो फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं या फिर आप जहाँ जिस एरिया का जो पानी पी रहे हैं उस पानी में अगर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो जाके आपका स्टोन का रूप ले लेते हैं, यानी पथरीला पानी जिसको बोलते हैं। पहाड़ों का जो पानी होता है, जो नीचे जो चट्टानें जहाँ होती हैं, तो उसमें जो माइक्रो कण आते रहते हैं, फिर उसके कारण क्या होता है, वो एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। क्या पानी की कमी है आपके शरीर में, आप पानी कम ले रहे हैं जिसके कारण से आपका यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा, तो कभी कभार उस टाइप से भी आपको स्टोन बन जाती है। स्टोन मैक्सिमम कैल्शियम या ऑक्सलेट के जो आयन होते हैं उसके कारण बनती है। जैसे आप टमाटर खाते हैं बार बार, अगर उसके टमाटर के बीज खा रहे हैं तो बहुत दिनों तक अगर आप टमाटर खाते रहेंगे तो आपकी स्टोन बन जाएगी। इसी टाइप से अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे भी आपको स्टोन बन सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिसको आयुर्वेद में अस्मरी बोला गया है। तो किडनी स्टोन के बनने के यही कारण होते हैं, क्या तो आप बीजों वाली सब्जियां खा रहे हैं या फिर आप जो पानी पी रहे हैं वो उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं वो पथरीला पानी है, इस कारण आपको वो स्टोन बनी है। तो ये तो हो गया आपका किडनी स्टोन आपकी कैसे बनती है। अब आती है गोल ब्लेडर स्टोन। लोग कहते हैं गोल ब्लेडर जो स्टोन है उसको निकाला नहीं जा सकता, वो निकल नहीं सकती। देखो, गोल ब्लेडर स्टोन सीधी सी बात है, गोल ब्लेडर आपको किसको बोलते हैं, पित्ताशय को बोलते हैं। नाम हिंदी में जो गोल ब्लेडर का नाम होता है वो पित्ताशय होता है। नाम में होता लग रहा है कि पित्त को आशय करने वाले, यानी पित्त को इकट्ठा करने वाला। तो गोल ब्लेडर की जो स्टोन होती है आपकी, यानी पित्ताशय की जो पथरी होती है, तो वो कैसे बनती है। सबसे पहले जैसे आप सोच के देखिए, पित्ताशय नाम से मतलब चल रहा है कि ये पित्त को आशय करने वाला है, पित्त का इकट्ठा करने वाला है, आपके बाइल्स को इकट्ठा करने वाला है। बाइल्स आपका सिक्रेशन कौन करता है, लीवर सिक्रेशन करता है। आपका जो पित्त है लीवर से स्रावित होता है, लीवर से सिक्रेशन होता है, और आपका जो गोल ब्लैडर होता है यानी जो पित्ताशय होता है उसमें आते हुए इकट्ठा रहता है। जब ये वहाँ इकट्ठा रहता है और आप जब भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस टाइम पे पित्त का आपका सिक्रेशन होता है, पित्ताशय से निकल के आपके भोजन में यानी आपके जो डाइजेशन है उसमें काम आ जाता है, यानी उसमें ये वर्किंग करता रहता है। कभी कभार आपके क्या होता है कि आप समय पे खाना नहीं खा रहे हैं या फिर जो पित्त है वो आपका सूखना चालू हो जाता है, तो उस टाइम पे वो क्या है, एक स्टोन का रूप धारण कर लेता है, एक स्टोन बना लेता है अपने आप में। उसमें कोई पत्थर नहीं होता, ओनली उसमें पित्त का जमाव हो जाता है, पित्त का सूखना हो जाता है, जिसको कॉमन भाषा में बोलें तो ये हो गई आपकी गोल ब्लेडर स्टोन। या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, कभी कभार जो पित्त है यानी जो बाइल्स है वो उसके आसपास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाता है, तो जिससे कोलेस्ट्रॉल यानी पित्त और कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण उसमें एक स्टोन बन जाता है, जिसको आप गोल ब्लेडर का स्टोन कहते हैं। अब गोल ब्लेडर का स्टोन और किडनी का स्टोन दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। गोल ब्लेडर का स्टोन को अलग तरीके से निकाला जाता है और जो किडनी का स्टोन है उसको अलग तरीके से निकाला जाता है। किडनी का जो भी स्टोन होता है उसको हमेशा अपने डायूरेटिक जो भी अपना मेडिसिन देते हैं या चिकित्सा करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, उसमें बार बार जैसे क्या, तो उसको बार बार फ्लूड चढ़ाते रहेंगे या फिर उसको ऐसी जो भी ट्रीटमेंट दे देंगे जिससे उसको बार बार यूरिन आता रहे, या फिर कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जैसे पाषाण भेद होगी, पत्थर चट्टा होगी, और श्वेत पर्पटी होगी, हजरली होगी, भस्म होगी, ये कुछ ऐसे चीज़ें जो अगर आप उसको पेशेंट्स को देते हैं तो वो क्षरण करती है, किसी भी पत्थर का क्षरण कर सकती है अपनी बॉडी में, तो जिससे जो पथरी है वो क्या तो क्षरित होगी यानी टूट टूट के बाहर आ जाएगी या फिर बहुत ही स्मॉल होगी तो यूरिन के साथ ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। तो उसके लिए ये जो जितने भी जो चीज़ें मैंने बताई आपको, श्वेत पर्पटी, हजरली उद्भसम, पाषाण भेद, पत्थर चट्टा, ये सब चीज़ें आपको एक अपना जो कॉमन प्रोडक्ट आता है यूरिन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, यूरिसेफ सिरप, उसका आप 10-10 ml 3 times तक यूज करवा सकते हैं, जिससे इजीली 10-15 दिन में कोई भी किसी भी टाइप का स्टोन बाहर आ सकता है।
उसके साथ साथ इसके साथ आप कुरकुमिन पाउडर टेबलेट का यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि जो स्टोन आ रहा है वो हो सकता है वहाँ उस बॉडी में उस पार्ट में इन्फ्लामेशन कर दे यानी सोख कर दे, तो उस जगह अगर आप कुरकुमिन पाउडर टेबलेट उसके साथ साथ देते हैं तो और भी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ आप वीट ग्रास जूस और एलोवेरा जूस दोनों 20-20 ml सुबह शाम आप खाली पेट किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, और उसके साथ साथ तुलसी ड्रॉप। तो ये जो 5 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं ये आप किडनी स्टोन का जो पेशेंट है आप उसको दे सकते हैं, और इजीली उसके 10 से 15 दिन में या 20 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 3 महीने में स्टोन ऑटोमेटिक वार आ जाएगी। जो भी जिस कारण हुई है उन कारणों को बंद कर दें, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे अच्छा जो भी प्रोसेस बताया गया है वो निदान परिवर्जन का बताया गया है कि किसी भी चीज़ के कारण जो डिजीज़ हो रही है आप सबसे पहले उसको बंद कर दें, तो साथ में आपको निदान परिवर्जन का भी ध्यान रखना है। इसके साथ अब हम बात करेंगे गोल ब्लैडर स्टोन की। तो गोल ब्लैडर स्टोन का भी मैंने आपको बताया था कि पित्त और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण होती है, तो उस कारण आपको ऐसा ट्रीटमेंट देना है जो ज़्यादा से ज़्यादा पित्त को सिक्रेशन करें। अब देखो किसी चीज़ का जमाव हो रखा है तो उसको आप क्या करें, उसमें एक जो चीज़ है वो ज़्यादा डाल दें। अगर आप किसी भी चीज़ में सूखा हुआ है अगर आप उसमें पानी डाल के कुछ दिनों तक रख देंगे तो वो गीला हो जाता है और ऑटोमेटिक बाहर आने लग जाता है उस पानी के साथ ही। जैसे आपने चाय पी और चाय के कप में वो नीचे चाय सूख गई है, एक दो दिन वो कप रखा हुआ है, तो आप उसमें पानी डाल के छोड़ देते हैं जिससे वो पिघल जाता है, ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा ही अपने बॉडी के साथ करना है अपने को। आप जो बाइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिक्रेशन करवाना है तो अपनी बॉडी को लियोसेफ सिरप लियोसेफ टेबलेट लीवर से संबंधित प्रोडक्ट आपको ज़्यादा देने हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइल का सिक्रेशन करें, और बाइल का सिक्रेशन करेंगे तो जो आपका बाइल जो जमा हुआ है वो पिघलना चालू हो जाता है और ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला ट्रीटमेंट करें, जैसे कि गार्लिक हो गया सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तुलसी ड्रॉप हो गया, तो ये कुरकुमिन पाउडर टेबलेट हो गए, ये उसके साथ आप ऐड करें, और उसके साथ आप यूरिसेफ सिरप भी उनको दे सकते हैं। तो ऐसे करके ये जो 6 प्रोडक्ट मैंने आप बताए हैं ये आप गोल ब्लैडर स्टोन में दे सकते हैं, जिससे गोल ब्लैडर की स्टोन भी बाहर आने की संभावना 99.99% होती है। 100% हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि गोल ब्लैडर स्टोन 100% बाहर आएगा, किडनी स्टोन 100% बाहर आता है, क्योंकि गोल ब्लैडर स्टोन में बाहर आने में उसको टाइम लगता है, समय भी लगता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाहर नहीं भी आ जाती क्योंकि नहीं पिघला, तो उसमें आप और हम एक चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता उस टाइम, तो उसका सर्जरी ही सॉल्यूशन है। बट उससे पहले अगर एक बार किसी को गोल ब्लैडर स्टोन है उसको 3 महीने 4 महीने 5 महीने आयुर्वेद के प्रोडक्ट 100% यूज करने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट यूज करने से बहुत से लोगों की मैंने देखी है स्टोन बाहर आई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर उनका आप रिकॉर्ड लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ जो गोल ब्लैडर स्टोन है वो भी बाहर आने का, बट बहुत से पेशेंटों में मुझे रिजल्ट नहीं भी मिलता, कभी कभार 10 पेशेंट में से 8-9 पेशेंटों को रिजल्ट मिलता है, तो 1-2 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रिजल्ट नहीं भी मिल पाता है। बट किडनी जो स्टोन होती है उसका 100% मिलता है, बट गोल ब्लैडर स्टोन में भी कोई भी पेशेंट को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको एक बार आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, हो सकता है उसकी स्टोन उससे बाहर आ जाए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का कोई ना कोई पेशेंट आपको जरूर मिलता होगा जो ये कहेगा मुझे पीछे की साइड दर्द हो रहा है, जहाँ पे अपनी किडनी स्थित होती है उस एरिया में दर्द हो रहा है, ये यूरिनरी ट्रैक से संबंधित दर्द हो रहा होगा, ये पेन हो रहा होगा। ये ऐसे पेशेंट आपको लाइफ में बहुत पेशेंट मिलते हैं, या आजकल मशीनरी का युग है तो यूएसजी यानी सोनोग्राफी वो करवा के रखते हैं जिससे आप उसको देख के लगा सकते हैं कि इसको स्टोन है, तो उन्हीं पेशेंटों का ट्रीटमेंट आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास किडनी स्टोन का गोल ब्लैडर स्टोन का है तो आप उसको ये वीडियो दिखा के उसको बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें यूज करनी है, इनको बंद करना है, ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं जिससे ये बनी क्यों है और किस टाइप से ये बाहर आएंगे, तो ऐसे करके आप उसको ये जानकारी दे सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और इसी वीडियो को या ऐसी कोई भी वीडियो आए आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ज़रूर करें। तो दोस्तों कैसे लगी आपकी वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आने वाले वीडियो में अगर आपको किसी डिजीज़ की या कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सब कमेंट पढ़ता हूं, तो आप उस कमेंट के साथ साथ मेरे को ये जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।